जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब लोग अपने अपने घरों में खैर से होंगे, आबाद होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से खुश हूँ, आबाद हूँ। तो चले जी, आज की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सुबह नाश्ते का वक्त है और नाश्ता बना रही हूँ। मैंने ये सारे पेड़े वगैरह मैं साथ साथ कर रही हूँ। टैंक भी बनाया है, बच्चों ने कहा मामा आज हम लोगों ने टैंक पीना है, क्योंकि आज गर्मी ना कुछ ज़्यादा है, तो काफ़ी दिनों बाद टैंक बनाया है। वरना पहले तो रूटीन में बनता था, अब नहीं बनाना हम लोगों ने छोड़ दिया है, तो आज टैंक बनाया है। तो रात को मैंने काले चने बनाए थे, क्योंकि कल मैंने बहुत ज़्यादा काम कर लिया था, तो इसलिए काले चने जो है ना वो बहुत जल्दी ना झटपट से बन जाते हैं। तो ज़्यादा मैंने शोरबा नहीं बनाया, बस थोड़ा सा लाइट सा शोरबा बनाया। ये देख लें, दो तीन बस मैंने आलू भी इसमें डाले हैं। दूध में ही मैं एक साइड पे मैंने रखा हुआ उबलने के लिए, दूध उबलता है तो फिर उधर मैं चाय रख देती हूँ। ये मैं टैंक डाल के तो दाऊद को दे के आऊँ, तो ये दाऊद को दे कर आऊँ, ये आप पी लो। बाकी आज ही आज मुहर्रम की 8वीं है, बड़ी स्पीड से दिन गुजरे हैं ये। अल्लाह पाक इनके तफायल, इनके सदके सबकी मुश्किलें आसान करे, सबकी परेशानियां दूर करे, सबकी जो दिल की नेक तमन्ना हाजते हैं अल्लाह ताला सबकी पूरी करें। और जो 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 लोग न्याज वगैरह दिला रहे हैं अल्लाह ताला उनको भी तौफीक दे जो नहीं दिला सकते। आमीन। चने हो गए, मैं तवा रखूं और रोटी बेलूं। तवा मेरा बिल्कुल फुल गरम हो चुका है, पराठा मैंने डाल दिया ऊपर, तवा भी बन रहा है। सुलमान आया था 2 दिन के लिए, वो रहकर चला गया। आज भी उसका स्कूल है, 8वीं है, फिर 9वीं और 10वीं की छुट्टी होगी। फिर कह रहा था मामा भाई से कहना मुझे ले आए, तो वो आज रात को आ जाएगा, फिर 2 दिन हमारे साथ रहेगा। शायद भाई वगैरह की तरफ मैं कल जाऊं, बाकी पक्का नहीं को पता। मुझे तो आज पेट बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, कल इतनी नहीं थी जितनी आज है। दाऊद की ताई अम्मी का फोन आया था, उन्होंने कहा है कि दाऊद को भेज दो 2-3 बजे तक। उन्होंने नियाज दिलाई है, हलीम और नान उन्होंने बांटने, तो वो फिर वो दाऊद को कहेंगी ना कि आप जगह जगह जाकर दिया। तो मैं दाऊद को कह रही हूँ दाऊद जल्दी सुट जा, उठ के नाश्ता कर लो, नहा कर कपड़े पहन के तो चले जाओ। बाकी आप लोग कहते होंगे कि आसिया एक दफ़ा सामने आई है फिर दोबारा आई नहीं, तो इंशाल्लाह ताला जब कभी मैंने कहीं जाना वगैरह होगा, तैयार श्यार वगैरह होंगी, तो फिर आप लोगों के सामने ज़रूर आऊँगी। तो घर में तो इंसान सिंपल ही रहता है, बहरहाल मुझे दिखावा वगैरह से ना बहुत ज़्यादा एलर्जी के, मुझे अच्छा नहीं लगता। जितनी चीज़ परहेज़ में हो उतनी अच्छी रहती है। तो बाकी इंशाल्लाह ताला जब भी तैयार होंगी, या कल अगर भाई की तरफ गई तो फिर आप लोगों के सामने आऊँगी, तो आपका जो मैं वीडियो बनाऊँगी वो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगी। हम लोग जब से इधर मनावा में शिफ्ट हुए ना, हमने बेलने के ऊपर रोटी नहीं, चकले के ऊपर रोटी नहीं बेली, क्योंकि माशाल्लाह हमारी स्लैब इतनी अच्छी है कि हम लोग स्लैब के ऊपर ही रोटी बेल लेते हैं। वो बड़ी प्लेट के ऊपर पराठा रखो, अभी नहीं हुआ, थोड़ा सा चल, कावा भी हो गया, नाश्ते से जल्दी जल्दी फारग हो जाओ। आज सफाइयाँ वगैरह करने का कोई मूड नहीं है, क्योंकि घर वगैरह सारा साफ सुथरा है, तो बस कहती हूँ कि बस किचन को सिमेटूंगी और बर्तन धोऊंगी। दुदाना की भी कल तबीयत खराब हुई थी, उसकी हाथ की जो कोर है ना वो खराब हो गई और उसमें पस डल गई है, इस वजह से उसके हाथ में
उंगलियों में दर्द है। बाप के तो खाने का कोई इतना बर्डन नहीं है क्योंकि ताइयों में घर से हलीम आ जानी है, वो नियाज हम लोग रात को खाएंगे। मैंने जी चने नहीं खाने, मैंने सिर्फ चाय और पराठा खाना है। चने ये तो बिल्कुल शोरबे के बगैर मैंने बनाए, अगर शोरबा हो तो मैं उसके साथ सिर्फ चने बिल्कुल नहीं डालती, सिर्फ एक आलू ले लेती हूँ शोरबे के साथ खा लेती हूँ। अब तो ये तो शोरबा इसमें है ही नहीं, तो सिर्फ चाय और पराठा खाऊंगी। तवा मेरा तैयार है, मैं इसमें दूध डालू, चूल्हा बंद कर देती हूँ। इस साइड की ना जो आग ना वो बहुत कालक है, ये देखें छोड़ रही है, दूसरी तरफ सही है, या तो गैस ख़त्म होने वाली हुई है या चूल्हे में कुछ खराबी हो रही है। जी नाश्ते से मैं फारिग हो चुकी हूँ। दाऊद की ताई अम्मी के बार बार फोन आ रहे हैं कि दाऊद जल्दी से आओ, तो ये मैंने कल जो कपड़े वॉश किए थे, ये दाऊद ने कहा कि मम्मा मेरा ना सूट प्रेस कर दो, तो मैं उसके जल्दी जल्दी से उसके कपड़े प्रेस कर रही हूँ ताकि वो जल्दी से निकल जाए। कमरे में सारे ही बेड पे कपड़े बिखरे हुए हैं, जो दो दिन से मैं कपड़े धो धो के रख रही हूँ ना, अभी मैंने समेटे नहीं हैं। दाऊद आप बैठो, मैं देती हूँ आपको। दाऊद इंतज़ार कर रहा है कि मम्मा जल्दी से मुझे दे। ये जी ये जो स्त्री है ना, ये मैं आपसे बात शेयर करूं, ये मेरे वालिद साहब ना जापान से लेकर आए थे, वो जापान में काम करते थे, तो उधर उन्होंने मुझे शादी में ये मुझे दी थी। तो कम से कम मुझे 10-15 साल हो गए मैंने निकाली है, तो माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी अच्छी ये स्त्री है। उसका व्यू भी कॉटन में सूट है, मैंने वो भी धोया था, मैंने उससे कहा दाऊ से कि आज वो पहन लो, क्योंकि ब्लू की भी जो कलर है ना वो भी ब्लैक में लगता है, डार्क ब्लू है, पर वो कहता नहीं मामा जी मैंने बस यही पहनना, आप मुझे यही इस्त्री करके दो। अभी मेरी सलमान की मोमानी से बात हो रही थी, वो कह रहे थे अभी तक सलमान काम से वापस नहीं आया, वो भी उसने भी कपड़े शायद फ़ोन करके मंगवाए। बस करो, जितनी गर्मी इतनी गर्मी में सारा सही तरह प्रेस होगा तो दुर्दाना से दूंगी ना, ऐसे तो नहीं ना। वो तो अच्छे भले काम में कीड़े निकाल रहा होता, तो ये तो मैं तो वैसे भी हर काम को तरीके से करती हूँ, करना तो करो, तरीके से नहीं करना तो ना करो। मम्मा बस कर जो सूट प्रेस करके उसको देती हूँ। किचन मैंने सारी साफ़ कर ली है, बर्तन भी धो लिए हैं। मैंने पहले भी आपको सुबह बताया था कि हम लोगों ने आज सफाइयाँ वगैरह नहीं करनी, पास पास से हम लोगों ने झाड़ू दे देना। बस नीचे पांच से मैं बस कर दूँगी, फिर से रहने दूँगी। मैं डाल रहा था पसीना वगैरह साफ करने के लिए, माशाल्लाह से मेरा बेटा अच्छा। ये सफाई सारी हो चुकी है,
और मम्मा नमाज़ पढ़ रही हैं, वो कुरान पढ़ रही जी। देख लें सारे हमने सारा घर वगैरह सारा अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है। साफ़ तो रोज़ ही करते हैं, गंद तो होता ही नहीं। जब सुलेमान था ना तो वो थोड़ा बहुत पानी की वजह से वो गंद डाल देता था, अब तो वो भी नहीं है। तो मैं कुरान पाक पढ़ूंगी, सुबह भी मैंने फजर के टाइम पढ़ा था, अब फिर पढ़ूंगी, फिर उसके बाद फिर मैं नमाज़ पढ़ूंगी। तो उतनी देर तक दाऊद गया हुआ अपनी ताई अम्मी के घर न्याज लेने, वो न्याज लेकर आएगा तो वो भी फिर मैं आपको दिखाऊंगी। भी आया है तो अपनी ताई अम्मी के घर से ये न्याज लेकर आया है। ये माशाल्लाह हलीम है, नान है और उसने सेवियाँ बनाई है। अल्लाह ताला उसको अजर दे और अल्लाह ताला उनको भी तफीक दे, सबको तफीक दे जिनके दिल में अरमान है कि हम भी अच्छी अच्छी न्याज दिलाएं। तो दाऊद आ गया, अब हम ये जो न्याज है हम लोग ये अब खाएँगे। तो उम्मीद है कि आपको सारे दिन की मेरी वीडियो आपको बहुत बहुत पसंद आई होगी। तो आपने मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और उन लोगों से भी अपील है कि जो मेरी वीडियो देखते हैं पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप लोगों की मुझे बहुत बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह कल नई वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।